नमस्कार दोस्तों, सुपर प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल के हमारे सभी व्यूअर्स को फिर एक बार तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। यार CPL 2024 की सीजन आप सभी को मालूम है खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। 30 मैच के बाद 4 ही मैच शेष रह गई है, एक तो एलिमिनेटर, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 और फाइनल मैच। दोस्तों ये चारों के चारों मैच आपके लिए एक जैकपॉट बन सकती है, इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एलिमिनेटर मैच की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है, अभी तक आपने नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिएगा। आप यार टॉच मैच सेशन खेलते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है सभी क्रिकेट मैच में, आप फायदे में रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर आपको सभी क्रिकेट मैच की टॉच प्रिडिक्शन, मैच की प्रिडिक्शन, सेशन की जानकारी और कई सारे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया जाता है, जिसे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे भाई हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं, अभी तक आपने हमारे साथ जुड़ के हमारे टेलीग्राम की प्रिडिक्शन से नहीं खेले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अब चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज की वीडियो की मेन टॉपिक पर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम CPL 2024 की पहला क्वालिफायर मैच को कवर करने जा रहे हैं। ये मैच आपको 3 अक्टूबर सुबह को 4:30 पे बॉय प्रोवाइडेंस स्टेडियम पर गुइना अमेजन वॉरियर और सेंट लुसिया किंग के बीच में खेला जाता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मैच के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक सभी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कौन सी टीम यहाँ पर मैच जीतेगी, कौन सी टीम हमें प्रॉफिट दिलाएगी, कौन सी टीम लॉस करवाएगी, पिच के बारे में और कुछ नई अपडेट आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोनों टीम और दोनों टीम की प्लेइंग 11, कुल मिला के कहें तो सभी चीज के ऊपर नजर डालेंगे, जिससे आप एक बेहतर प्रिडिक्शन के साथों साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले दोनों टीम के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों टीम की पॉइंट टेबल के ऊपर गौर करें। दोस्तों दोनों टीम बहुत ही मेहनती और लाजवाब टीम है। दोनों ने इस सीजन में 10 मैच खेलते हुए 7 मैच में जीते हैं, 3-3 मैच में हारे हैं। गोयना अमेजन वॉरियर की टीम NRR में 0.799 पर है, लेकिन ST लुकिया किंग्स की NRR 0.673 पर है, लेकिन पॉइंट दोनों की सेम है, 14-14 पॉइंट पर है। फिलहाल दोस्तों अभी तक दोनों टीम की प्रदर्शन जो है एक समान रही है। चलिए दोनों टीम की हेड टू हेड के ऊपर भी नजर डालते हैं। यार हेड टू हेड की जब बात आती है दोनों टीम के बीच में अभी तक फिलहाल 24 मुकाबले में आमना सामना हुई है। इन 24 मैच में से ST लुकिया किंग्स 8 मैच जीते हैं और गुइना अमेजन वॉरियर की टीम 15 मैच में जीत हासिल किए हैं और एक मैच इनके बीच में नो रिजल्ट में रही। लेकिन यार इनके बीच में खेले गए लास्ट के 10 मैच में गुइना अमेजन वॉरियर की टीम 6 मैच जीते हैं और ST लुकिया किंग्स की टीम 4 मैच में जीते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अभी का जो सीजन चालू है CPL की रनिंग सीजन में भी दोनों के बीच में 2 बार आमना सामना हो चुकी है। पहला मैच में गुइना अमेजन वॉरियर की टीम ST लुकिया किंग्स को 6 विकेट से हराने में कामयाब बनी थी। दूसरे मुकाबले में भी गुइना अमेजन वॉरियर की टीम ST लुकिया किंग्स को 35 रन में मात देने में सफल हुई है। इससे यह साबित हो जाता है ST लुकिया किंग्स की टीम चाहे पहली पारी में बल्लेबाजी करे या फिर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करे, यार सिचुएशन कुछ भी हो, गुइना अमेजन वॉरियर की टीम हर सिचुएशन में सेंट लुकिया किंग को चपेट में ले ही लेती है। तो भाई लोग इससे यह साबित हो जाता है ST लुकिया किंग्स की टीम भले ही पॉइंट टेबल पर अच्छा पोजीशन में है, लेकिन जब गुइना अमेजन वॉरियर के सामने आती है इनको हैरान परेशान होनी पड़ती है। यार हेड टू हेड की रिपोर्ट को छोड़ के दोनों टीम की टीम के फॉर्म को देखोगे, लास्ट के 5 मैच में गुइना अमेजन वॉरियर की टीम 4 मैच में जीते हैं, 1 मैच में हारे हैं, आखिरी का मैच हार के आ रहे हैं और दूसरी तरफ भी वही हाल है। सेंट लुकिया किंग्स की टीम भी लास्ट के 5 मैच में से 4 मैच में जीते हैं, आखिरी का मैच हार के आ रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, इस मैच में घमासान हमें बहुत सारी देखने को मिलेगी। जबकि गुइना अमेजन वॉरियर की टीम इस सीजन में ST लुकिया किंग को 2 बार मात देने में सफल हो चुकी है, सेंट लुकिया टीम इस मैच को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएगी। शायद अपने झोली में इस मैच को भी डाल सकती है। वो तो यार समय बताएगा कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। हमारे साथ आप जुड़े रहे, आगे चल के हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं, पिच रिपोर्ट के ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले से ही मैं आपको बता चुका हूं, ये मुकाबला खेली जाएगी प्रोवाइडेंस स्टेडियम पर। ये जो मैदान है एक बैटिंग फेवर पिच में गिनी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजी बहुत ही शानदार होती है, बल्लेबाज यहाँ पर अच्छा खासा रन बना लेते हैं। स्पेस गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों मिलकर यहाँ पर अच्छा खासा विकेट निकाल लेते हैं, मदद दोनों को एक समान मिलते हैं। यहाँ पर खेले गए मैचेस की अगर बात करी जाए इस ट्रैक के ऊपर CPL में से कुल 51 मुकाबले खेले गए हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 21 मैच और सेकंड बैटिंग आने वाली टीम 29 मैच में विन किए हैं। एक मैच यहाँ पर नो रिजल्ट में गई है। इसी हिसाब से ओवरऑल स्टेक्स में यहाँ पर 8 मैच तो डिफेंस से ज्यादा चेस हुई है, लेकिन अभी का सीजन में आंकड़ा कुछ अलग देखने को मिली है। अभी दोस्तों CPL 2024 की सीजन जो चालू है इसमें से इस मैदान के ऊपर 7 मुकाबले खेले गए हैं। इन 7 मैच में से यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग आने वाली टीम 6 मैच जीते हैं और सेकंड बैटिंग आने वाली टीम 1 ही मैच में जीत पाए हैं। पिच जो है फिलहाल अभी का सीजन में डिफेंड वाली टीम को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करी है। वेन्यू के इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना डेफिनेटली चाहेगा। इसके अलावा इस मैदान की एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 168 तक देखने को मिल जाती है। यहाँ की हाईएस्ट स्कोर गोयना अमेजन वॉरियर के नाम पर दर्ज है 8 विकेट के नुकसान पर 219 रन। लोएस्ट स्कोर बारबाडोस रॉयल के नाम पर दर्ज है 9 विकेट के नुकसान
पर 96 रन। और एक चीज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर डिफेंड वाली टीम को यहाँ पर मैच जीतनी है कम से कम 170-75 की स्कोर बनाना पड़ेगा। अगर 140-50 की स्कोर बनाती है पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम तो वो स्कोर चेस होने की ज्यादातर चांस रहेगी। लेकिन अगर 60-70 की स्कोर बना लेती है तो वो स्कोर 50-50 में गिनी जाएगी, चेस भी हो सकती है और डिफेंड भी हो सकती है। दोस्तों इसी बीच के ऊपर गुइना अमेज़न वॉरियर की टीम और सेंट लुकिया किंग्स की टीम एक बार आमने सामने भिड़ चुके हैं इसी सीजन में। इसी मैदान के ऊपर गुइना अमेज़न वॉरियर की टीम सेंट लुकिया किंग्स को एक बार मात देने में सफल हो चुकी है। और हम एवरेज सेशन के बारे में बात करें तो आपको पहले का 6 ओवर में कम से कम 40-46 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आएगी, 10 ओवर में 70-76 की स्कोर, 15 ओवर में 110-116 की स्कोर और आखिरी के 20 ओवर तक 170 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर डेफिनेटली आएगी। ऐसा सेशन ऐसे होने की ज्यादातर चांस है, अपने अपने हिसाब से ऐसा नो कर लीजिएगा। वरना आप अगर हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम पर आपको रनिंग मैच की सेशन मिल जाती है जिससे आप यहां से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ये तो थी यार पिच रिपोर्ट के बारे में, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते और देख लेते हैं कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले गुइना अमेज़न वॉरियर की प्लेइंग 11 के ऊपर गौर करेंगे। इनके ओपनिंग में रेमनुला गुरुबाज के साथ केल्विन एंडरसन दिखेंगे, 3 पे सेय ऑफ, 4 पे सिमरन हिटमेयर, 5 पे सेमर जोसेफ, 6 पे मोइन अली, 7 पे डिवाइन प्रिटोरियस, 8 पे रोमारियो शेफर्ड, 9 पे इनका कप्तान इमरान ताहिर, 10 पे केमो पॉल, आखिरी 11 नंबर में आपको गुडा कैश मोटी दिखेंगे। दोस्तों इनके तरफ से इनके बल्लेबाजी में रेमनुला गुरुबाज और सेय ऑफ की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलेगी जो अपने टीम के अच्छा खासा स्कोर खड़ा करते हुए नजर आएंगे। इनके गेंदबाजी में समर जोसेफ और गुड़ाकस मोटी की शानदार गेंदबाजी देखने को मिलेगी, साथ ही दो दो तीन तीन विकेट भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। ये तो यार हो गए गुइना अमेज़न वॉरियर की प्लेइंग 11। अब चलिए हम सेंट लुकिया किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। यार सेंट लुकिया किंग्स की प्लेइंग 11 की तरफ से इनके ओपनिंग में जॉनसन चार्लिस के साथ फैफ डुप्लेसिस दिखेंगे, 3 पे आकेम अगस्ती, 4 पे रोस्टन चेस, 5 पे टीम शेफर्ड, 6 पे डेविड वेस, 7 पे सैड्रिक डेस्कार्ट, 8 पे खेरी पीपर, 9 पे आरन जोनेस, 10 पे अल्जेरी जोसेफ, आखिरी के 11 नंबर में आपको नूर अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। भाई इनके तरफ से इनके बल्लेबाजी में जॉनसन चार्लिस और फैफ डुप्लेसिस की आपको बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों खिलाड़ी लगातार पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और इनके गेंदबाजी में अल्जेरी जोसेफ और नूर अहमद की लाजवाब गेंदबाजी भी आपको देखने को मिल जाएगी, अपने टीम को जिताने के लिए दो दो तीन तीन विकेट भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। बोल दोस्तों ये तो हो गए दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर इनके प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होता है वो नई प्लेइंग 11 की लिस्ट हम आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, टॉस के बाद एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब आखिरी में उस चीज को चलिए जान लेते हैं जिसको जानने के लिए आप सभी का अभी तक बेसब्री से इंतजार है। हम अगर पिच रिपोर्ट के हिसाब से मैच विनर चुनते हैं तो डिफेंड वाली टीम को ले सकते हैं, लेकिन दोनों टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें दोनों टीम इस मुकाबले में 50-50 में दिख रहे हैं। कोई भी टीम इस मैच को अपने नाम कर सकती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इस मुकाबले की जो विनर टीम रहेगी वो यह रहेगी सेंट लुकिया किंग्स की टीम। सेंट लुकिया की टीम अमेज़न वॉरियर की टीम से पिछले 2 मैच में हार का बदला लेती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों हमने तो हमारे तरफ से विनर टीम दे दी है। वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आगे जो भी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगी। साथ ही अपने ही प्रॉफिट के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों आज के वीडियो में इस मुकाबले रिलेटेड इतना ही, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।